नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं अमन बैलकुंग पढ़ता हूँ आप सभी दोस्तों का यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल में। तो आज की वीडियो में गाइस हम बच्चों के पैरों में जो बीटें जम जाती हैं, यानी कि जो बच्चों की पोटी होती है वो पैरों में गाइस जम जाती है, तो उसको मैं साफ करना बताऊँगा। तो इसको हम ईजिली और आसान तरीके से किस तरीके से साफ कर सकते हैं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन भाइयों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन भाइयों से गुजारिश है कि हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बच्चों के कलर दिखाना चाहूँगा। तो गाइस तीनों बच्चों के सेम कलर हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कलर लग रहे हैं, ठीक है ना गाइस। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बच्चा दिखा दूँ जिस बच्चे के पैर में बीट जमी हुई है। तो ये आप लोग देख सकते हो, इस बच्चे के पैर में बीट जमी हुई है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। और गाइस इसको मैं अगर डायरेक्टली निकाल दूँ तो बच्चे के पैर का नाखून टूट जाएगा और बच्चे के पैर में से खून निकलना शुरू हो जाएगा और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पैर में से खून निकलने का नंबर लग जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हमको इसको बीट को नरम करना पड़ेगा और उसको नरम करने के लिए हमको सबसे पहले लेना पड़ेगा गाइस पानी, ठीक है ना। पानी की मदद से हम इसकी बीट को नरम करेंगे और गाइस वो हमें किस तरीके से नरम करना है वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा कि हमको इसको किस तरीके से नरम करना है और किस तरीके से ये आसानी से निकल के बाहर आ जाएगी। तो गाइस हमने कटोरी के अंदर पानी ले लिया है और हम इस पानी को इस बीट पर लगा रहे हैं। अभी ये आप लोग देख सकते हो गाइस, हम चाहते तो इस बीट को इस पानी के अंदर डुबो भी सकते थे पर गाइस हमने डुबोया इस वजह से नहीं कि इतनी ज़्यादा इसके पैर पर बीट नहीं लगी हुई है और इतनी ज़्यादा बीट जो है हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो हमने बीट पर पानी लगा लिया है और हम बीट को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइस हमको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही धीरे से निकालना है। तो आप लोग देख सकते हो हमने काफ़ी हेल्पफुल निकाल लिया और काफ़ी बर्ड को यानी कि बच्चे को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। और पंजे को आप लोग देख सकते हो, बर्ड का पंजा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल परफेक्ट ठीक है, ठीक है ना गाइस। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से अपने बच्चों के पैरों की बीट साफ़ कर लेनी है जिस तरीके से मैंने की है। अब गाइस बात कर लेते हैं, अगर हम इस बीट को साफ़ नहीं करते तो हमको क्या लॉस होगा, यानी कि हमको क्या नुकसान देखने के लिए मिलेगा। गाइस आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं और बच्चों की जब पैरों में बीट जमी रह जाती है तो गाइस बच्चों के पैर जो है टेढ़े रहते हैं और वो प्रॉपर मैटिंग वगैरह नहीं कर पाते और उसी दौरान बच्चों की ब्रीडिंग वगैरह में नुकसान हो जाता है, ठीक है ना गाइस। तो इसी तरीके से आप लोगों को पैरों की बीट हटा देनी है अपने बर्ड्स की। जो आपके बच्चे जैसे ही बड़े हो जाएँ तो आप लोगों को मट्टियों को चेक करते रहना है और देखना है कि कहीं बच्चों के पैरों में बीट तो नहीं जम रही। अगर गाइस आपके बच्चों के पैरों में बीट जम रही है तो इसी तरीके से आप लोग बीट को साफ़ करें और इसी तरीके से आप लोग बीट को आसानी से हटा लेंगे, ठीक है ना गाइस। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को एक लाइक और हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।